बनाएंगे नल्ली निहारी। इसके लिए इंग्रेडिएंट लिए हैं, 1 किलो गोश्त, ये हमने इसके साथ में नल्ली ली है क्योंकि इसके बगैर ये नहीं बनती, 6-7 प्याज, दही, थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल, पानी, 3 चम्मच आटा, नमक, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सौंठ, और ये गरम मसाला लिया है हमने, इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये हमने लिया है तेज पत्ते लिए हैं 5-6, सौंफ 1 चम्मच, 1 चम्मच अनारदाना, काली मिर्च 1 चम्मच, 15-20 लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा पाउडर, जायफल, जावित्री, दालचीनी और बादियान फूल 2। इन सबको हम पीस लेंगे, फिर ये हम इस्तेमाल करेंगे गोश्त में। ये हमने सर्व करने के लिए हरी मिर्च, अदरक और नींबू लिया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। जला लेंगे और इसमें तेल डालेंगे। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। इसमें हम प्याज डालेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो इतने हम गरम मसाला पीस लेते हैं। तेज पत्ता हम निकाल के गोश्त में डालेंगे। हमने पीस लिया है, प्याज फ्राई हो रहे हैं, इतने हम आटा भी भून लेंगे धीमी आंच पे। धीमी आंच पे इसको भी भून लेंगे। इधर ये प्याज फ्राई हो रहा है, हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। प्याज निकाल लिए, अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। डाल लेते हैं पहले, ये हमारा तेल जो है गरम है काफ़ी ज़्यादा, और अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको पानी खुश्क होने तक भून लेंगे, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भून लेंगे। अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। धनिया 1 बड़ा चम्मच, हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, 1 चम्मच सौंफ पाउडर और दही डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। चुका है, अब हम इसमें निहारी मसाला जो हमने भून के रखा, ये पीस के रखा था, और हरी मिर्च ये डाल के भूनेंगे। भून चुका है, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और नमक भी डालेंगे। नमक अपने ज़रूरत के हिसाब से रखेंगे 1 चम्मच, और अब इसको पानी डाल के हम गलने के लिए रख देंगे। कुकर में बना रहे हैं तो इसमें कम पानी डालेंगे। एकदम गल चुके हैं, अब जो नली है इसमें से हम नली निकाल लेंगे और इसकी तरी भी अलग कर लेंगे। ये हमने इसकी नली भी निकाल ली है और ये तरी भी उतार ली है। अब इसमें हम आटे में पानी डाल के इसका घोल डालेंगे। उसमें 1/2 गिलास पानी डाल के इसको हम घोल बना लेंगे इसका अच्छे से, और फिर उसमें डालेंगे। हम धीरे धीरे इसमें मिलाते जाएंगे और चलाते रहेंगे।
ये हमने मिला दिया, इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे धीमे। ये इसकी थिकनेस अपने हिसाब से रखेंगे, अगर ज़्यादा पतला चाहिए तो पानी ज़्यादा डालेंगे, कम चाहिए तो कम। ये हमारी नली निहारी बन के तैयार हैं, ये हम डिश आउट कर चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।